बकरियाँ देखेगा इस तो भाई लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाओ, तो बनाते हैं भाई वीडियो। और ऐसे ही है बकरा चरने में, ये भूखा है ना, ये भूखा खाएगा खाएगा, इन्हें खाना ही है। और अभी देख सकते हैं गाइस चल रहा है कारोबार, तो आज अपलोड होगी। एनिमल नॉलेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि अब डेली इसमें बकरों की वीडियो आएगी अपने और मुर्गों की आएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आपका स्वागत है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें चैनल में, जो कि बकरियां भी भयंकर हमारे हष्ट पुष्ट हो जाएं, खाते पीते रहें। तो ये है मेन मुद्दा, तो ये है कि बकरियों को खाना ज़रूरी है। और अभी 4 बजे तक चरेंगी बकरियाँ, उसके बाद आगे का वीडियो आपको बताएंगे। और ये देखें, ये चल रहे हैं, पूरी हूरी खाते हैं बकरियाँ। तो ऐसे करके चलाने पड़ते हैं, देखना भी पड़ता है, क्योंकि तेंदुआ और यहाँ से जाके जानवर आ रहा है अंदर को, तो यहाँ भी बाड़ लगाने की ज़रूरत है। और फाइनली देखें, हम यहाँ से भी तोड़ के घुसा होगा हाथी ना, तो ये बला, तो ये बकरा भेड़ू है, भेड़ू ये देखिए इसकी रुआब, ये उसको दौड़ा दे रहा है ना, तो वो डर रहा है इससे। चल हट, पीछे को पीछे को पीछे को, ये देखिए मारने को ही रहता है बिल्कुल। बकरा कमज़ोर हो गया यार, इसने चलने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। देखिए ना इसकी क्वालिटी, ये देखिए बकरा, ये भी बढ़िया है। देखिए झल्लर, देखिए आप इसकी क्वालिटी, फ्रंट डर, देखिए डर, इसको भी इतना डर लग रहा है, इतना बड़ा बकरा इतने भीड़ों से डर रहा है। भीड़ बहुत खतरनाक है हमारा, जो कि इस ये बहुत डरता है इससे। और अभी चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। देखिए गाइस, हम कम से कम आपको 9-10 मिनट चल चुके हैं, काट काट के बना रहे हैं वीडियो। ये चरने के लिए घास हो रहे, बारिश हुई थी ना अभी हाल ही में, तो उत्तराखंड के अंदर तो बढ़िया रहा मौसम। तो ये चल रहा है यार, ये भाग गए यहाँ से। हम ये वाली जगह है जहाँ से हमने गिलोय निकाला था, और अभी भी गिलोय है इसमें। देखिए गाइस, ये वाला गिलोय कहते हैं इसको, निकाला जाता है। तो ये बेल थी यहाँ पर, ये अभी आगे को भी है बेल, देखिए ये लटकी पड़ी है। ये हाथी नहीं कर रखा है, गिरा रखा है, हाथी आया था ना यहाँ पर भी तो। और ये देखिए लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं, और आगे भी कोई मित्र हैं हमारे, उनको लग रहा है एट एट, ये ट्रैक्टर जाता तो। और ये हाथी के लिए आग जलाई जाती है, देखिए गाइस हमारे गांव में इस टाइप से, ये जाल हाल तोड़ रखा हाथी ने। देखिए गेहूँ गेहूँ है, उधर को भी गेहूँ, अंदर को गेहूँ है, बस चलो। ये देखिए ये देखिए डाल दिया हाथ, देखिए हाथी ने कितना नुकसान कर रखा गाइस। ये देखिए हाथी ने चर रखा है गेहूं को, आगे को देखिए बहुत बड़ा बड़ा गेहूं दिख रहा होगा आपको। ये हाथी ने यहाँ बहुत नुकसान कर देते हैं, हाथी बहुत आते हैं, तो अगर इसकी फेंसिंग कर दी जाती तो सरकार के द्वारा तो बढ़िया रहता। देखिए हमारे गाँव की खेत गाइस, हमें कुछ दिखाया है भी आगे, तो हम यहीं से बनाएंगे उनके लिए तीन, क्या कहते हैं इसको, मुसनौले। तो ये भी यहीं रहते हैं, इनका घर है यहीं पे, बकरियां चराने जाते हैं तो जंगलों में मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने भी आपको दिखाए थे, और बकरियां भी कुछ उस तरफ को जा रही हैं, और भेड़ू अपना यहाँ है। ये देखिए अभी दिखा रहा अपनी खोपड़ी, इसके नीचे इनका घर है, अभी दिखाते हैं हम आपको। जगह से दिखता है, अभी हम आपको और दिखाएंगे। अरे आ आ आ, ये रास्ता है, पगडंडी पुल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना अभी बहुत टाइम लग जाएगा। आ आ आ, भेड़े आप इधर किनारे किनारे चरा रहे हैं, तो अभी चरेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी हमने 1 बज गया। टाइम का क्या हो गया भाई, टाइम बताएं, टाइम बताएं, टाइम हो गया है 2 बजने में, अभी 40-20 मिनट बचे हैं, 1:40 हो गया है, और 1:30 बजे बकरियाँ खोली गई हैं आज। तो ये 1:30 बजे के बाद, क्योंकि अभी पाला हाला ठंडों का टाइम है, तो पाला सूख गया होगा, जिससे कि इनको चरने में दिक्कत नहीं आएगी, और कुछ ना कुछ खा लेंगे। देख सकते हैं गाइस, एकदम मुंह चला रहे हैं अभी, तो पेट इनका सबका अंदर को है, और अभी ये जब पाटे हाँटे खाएंगे तो इनके मुंह में कुछ होता है। बकरा देखिए हमारा कैसा लगा, कमेंट करें। और भेड़ भी 1 महीना छोटा है इससे, लेकिन साथ ही हो रखा, छोटे से लिए थे मैंने।
ये 600 रुपये किलो लिया था जिंदा, तब ये कितने किलो का था, हमारे 4.5 किलो का था और ये 4 किलो का था भेड़ू, तो ये 40 किलो हो गया है भेड़ू, ऐसे ही होगा 40, और ये भी 35 किलो करीब 35-40 के करीब है ये भी इस टाइम में। अभी तोला नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, अभी तो ये 1 साल और पलेगा तो 60-70 किलो के करीब चले जाएगा, और अगर हमने इसे 3 साल पाल दिया तो 100 किलो के करीब होगा ये, तो जो कि हम अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं इसकी, अगर बच गया तो। लेंथ देखिए ऊंचा ब्रीडर के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन इसके लिए बकरियां भी ऊंची चाहिए, छोटी बकरियों नहीं कर पाएंगे इसको कवर, बच्चे मतलब बचेंगे नहीं। इसकी पेटी देखिए बहुत बड़ी पेटी का है यार, ये सामने से दिखाएं ना आपको, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके सींग बिल्कुल घूमे हुए हैं अंदर को ही हैं। देखिए अभी तो बच्चा है ये, चेहरा अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, कम से कम 5 किलो का तो इसका सरी बनेगा, और टांगे देखिए मजबूत टांगों का है, इस टाइप का होना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया रहते हैं बकरे, और ये नीचे नहीं खाते, इसकी खासियत होती है राजस्थानी की, ये ऊपर ही ऊपर खाते हैं, तो ये भेड़ू देखिए। तो गाइस यही होता है, और क्या है, ये भी एक हर प्रकार के पत्ते खा रहे, देखे आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे आज बारीकी से। तो कैसा लगा बकरा कमेंट करें और शेयर करें जिनसे कि, और अभी ये सेल नहीं करना है, ये है पटिया, ये सेल करने के लिए है, आप इसको देख सकते हैं भाई, पर्सनली वीडियो मंगाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, अभी कुछ खाया नहीं है, 1-1.5 बजे खा रहे हैं अभी, देखिए अभी तो पेट अंदर को है, अभी एक बाहर वाली भी बनाएंगे जो लास्ट में जब जाते समय, तो अभी तो आए हैं ना यार, अभी तो 3 ही मिनट और रखे हैं, और ये देख सकते हैं गाइस ये बकरा है, ये भी खा रहा है, देखिए पट्टी देखिए इसकी, गला पट्टी, तो लंबी वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे कुछ भाई हमारे, तो उनकी भी फरमाइशें सुनी जाती है कमेंट के माध्यम से, बताएं हम, क्योंकि जब कमेंट करेंगे तभी चैनल आगे ग्रो करेगा। ये है बकरा देखिए, आज इसकी घंटी लगाई है, क्योंकि ये बकरे को, ये वाला जो भेड़ है, ये भेड़ इसको दौड़ा दे रहा है, मतलब कि सींग से मार रहा टक्कर तो भगा दे रहा है उसको। अभी इसके बाल कटते हैं तो 200 रुपये के तो इसके बाल ही कटते हैं भाई, और 100-100 रुपये के तो इनके कटते हैं बकरों के, तो ये महंगे होते हैं, इसलिए महंगाई चरम सीमा में है इस टाइम बकरों, इसके और बाल को यूज़ नहीं होता है, देख सकते हैं चल रहा है अभी, अभी तो कब खाया ही नहीं है इसे कुछ भी, अभी अंदर को देखिए एक हाथ पूरा यहाँ तक आ रही है, तो ऐसे चलते हैं बकरियाँ, आप भी चराएं तो 1 बजे के बाद चराएं, जिससे कि आपकी बकरी अच्छा चलेगी, या तो 12 बजे, देखिए ऐसे मारने को जाता है बकरा, दौड़ा दे रहा है बिल्कुल, यहाँ घास हो रही, घास नहीं खा रहा, देखो यार गाय सब हमें भी जाना पड़ेगा, बकरा उतनी दूर भाग गया, देखो गाय अगर हम आपको दिखाएं ना, तो वो देखिए इतनी दूर निकल चुका है, और ये भी हमसे बहुत दूर निकल चुके हैं, देखिए ऐसे करके बाहर डाला जाता है, जो कि हाथी के द्वारा हमारे बाड़ों में अटैक होकर अंदर गेहूं लगे हैं, गेहूं खाने के लिए आते हैं ना, तो इसलिए बाड़ लगा रखा लकड़ियों का, ये गिरे हुए पेड़ है देख सकते हैं गाइस, और ये कूरी की झाड़ी है, और ये देखिए विशाल गाय पेड़, तो ये चल रहे हैं हाथी के प्रकोप से, ऐसे बाड़ बनाया जाता है, ये कोई अंदर गेहूँ लगाया आपको दिख रहा होगा, अभी हम दिखाते हैं जूम करके ना, क्योंकि आपको भी दिखना चाहिए, गेहूँ है वहाँ पूरा, और ये बकरियाँ चल रही हैं, ये भेड़ू इसके साथ अटैकिंग मोड में रहता है, ये डर गया है अब इससे, अभी इससे लड़ेगा नहीं, क्योंकि इसे चरते रहे तो मढ़िया रहता है, अभी भी दौड़ा रहा है यार वो, दौड़ देखो कैसे दौड़ गया, देखो आपके सामने ही कह रहा हूँ, वो चिल्ला रहा ना तो वो दौड़ जा रहा, देखो भेड़ू भी लग रहा है उसके पीछे, तो भेड़ू से डर रहा है वो, भेड़ू इस बात को समझ नहीं रहा है, मैं तो इसके पीछे पीछे चलता है ना बचपन से, तो मुझे कुछ खतरा लग रहा है, बाघ हाग भी आते हैं यहाँ किनारे किनारे, 1-2 बार मिल चुके हैं,